क्या नाम है आपका? यतेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट। क्या समस्या हो रही है तहसील में आपको? तहसील में एक समस्या ये है कि यहाँ पर जो है एसडीएम और तहसीलदार के नाक के नीचे नोटरी एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सेक्शन नोटरी वकील जो है सेक्शन 12 में दंड से भी नहीं डर रहे हैं और न तो वे रूल 12 के तहत अपने नोटरी का जो है मुहर बनवा रहे हैं, बिना रिन्यूअल धड़ल्ले से नोटरी करते जा रहे हैं और इस पर सर अधिकारी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका प्रार्थना पत्र आपने कहाँ कहाँ दिया था? तहसील में ही दिया, एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ। इन्होंने अपने को अच्छम, जबकि कहते हैं सबकी अच्छम है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा सक्षम है क्योंकि इन्हीं के इनको जुरिस्डिक्शन है यहाँ। अब श्रीमान जिला जज को भी दरखास्त दूंगा। तो आपकी नज़र में कितने लोग ऐसे होंगे जो कि इस फर्जीवाड़े में लिप्त हैं? ये तो अधिकारी ही पकड़ लेंगे, इसके बारे में दूसरे का हम देखने थोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये है, पक्का यकीन है कि कई लोग ऐसे हैं। तो आपने कभी उन लोगों के खिलाफ जो है कि तहसीलदार या एसडीएम साहब के समक्ष जो है कि कोई प्रार्थना पत्र दिया? उसके दिया है प्रत्यावेदन तहसीलदार और एसडीएम को दिया। तो कोई मीटिंग वीटिंग बैठी या इसी तरह से? नहीं, उन्होंने मांगा था कि जितने लोग यहाँ नोटरी कार्य कर रहे हैं वो अपना लाइसेंस व रिन्यूअल का प्रमाण पत्र हमें दें, लेकिन 3 लोग तो दिए, शेष 4 नहीं दे रहे हैं। क्या अब उनको तहसीलदार साहब क्यों छूट दे रखे हैं ये वो जाने। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप कहीं अपर में गए थे या तहसीलदार या एसडीएम स्तर तक ही रह गए? अभी तो तहसीलदार या एसडीएम स्तर तक ही हूँ। जिला जज को प्रत्यावेदन, इनका देखने के बाद प्रत्यावेदन करूँगा।